आप सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में आप जानेंगे सूर्य नमस्कार को करने की सही विधि, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसका शरीर के किन किन भागों पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट योगिक आसनों का एक ग्रुप है, योगिक आसनों का एक कंप्लीट पैकेज है। सूर्य नमस्कार में जो 12 आसन हैं, कई बार कुछ लोग इसे 15 या 10 कुछ परिवर्तन करके कराते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जो साइंटिफिक ऋषियों ने जो हमारे सूर्य नमस्कार की विधि बताई है वो 12 आसनों का ही विधान है। तो 12 आसन, इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे शरीर पर, इन 12 आसनों का हमारे अंगों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊर्जा तंत्र पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। कई बार कुछ लोग इसे व्यायाम की संज्ञा देते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार न तो एक्सरसाइज है और न व्यायाम है। सूर्य नमस्कार एक योगिक आसनों का एक समूह है, ये योग है। तो इसका प्रभाव बहुत डीप जाता है, अपर स्किन से लेकर ऊपर की त्वचा से लेकर आपके अंतर की ग्रंथियों तक इसका प्रभाव पड़ता है, आपके हॉर्मोन्स लेवल तक इसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं उसका प्रभाव आपके हॉर्मोन्स तक नहीं जाता, अपर लेवल तक जाता है, सुपरफिशियल लेवल तक ही उसका इफेक्ट रहता है। तो आपको सूर्य नमस्कार की महत्ता को समझना होगा इसके पूरे लाभ को लेने के लिए। सूर्य नमस्कार एक 12 आसन, कौन कौन से आसन है मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक आसन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम और उसके लाभों को जानेंगे और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है इस पर आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार में जो 12 योगिक अभ्यास हैं वो कौन कौन से हैं अब आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक अभ्यास को मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसको आप ध्यान से सीखें और फिर वैसे ही करने की कोशिश करें तो आप उसके लाभ देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। पहले हम सीधे खड़े हो जाएं, सीधे अपनी एड़ियों को मिलाएं, पंजों को थोड़ा खोलें और अपनी छाती को बाहर की ओर सीधा बिल्कुल उभारें। इस पोजीशन में खड़े होकर अब हम यहाँ से शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार को करना, तो यहीं पर ही लास्ट जब हमारा अभ्यास होगा तो यहीं हमें आना है वापस। पहला अभ्यास 1, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय के पास ले आए, अपने दोनों हाथ और हथेलियों में दबाव बनाए। 2, दूसरा अभ्यास हस्त उत्तानासन, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचें और बैक को बेंड करें। 3, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें, अपनी हथेलियों को नीचे टच करें, जहाँ तक आप टच कर सकें। यदि आपकी उंगलियाँ टच होती हैं तो पहले उंगलियाँ ही टच करें, यदि उंगलियाँ भी टच नहीं होती बॉडी में स्टिफनेस है तो अपने हाथों को आप यहाँ से पकड़ें और धीरे से जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, हथेलियाँ टच कर सकते हैं हथेलियाँ टच करें। कुछ समय अभ्यास करने के बाद जब आपका अभ्यास ठीक से अच्छा हो जाए तो आप अपने दोनों हथेलियों को एड़ियों के पास लाएं और एड़ियों को पकड़ते हुए इस प्रकार से नीचे की ओर झुकें। 4, अपने चिन्ह को घुटनों में टच करें, सर्वाइकल पेन यदि है तो आप फॉरवर्ड भाग टच नहीं करें, गर्दन नहीं झुकाएंगे, फिर आप धीरे से इस प्रकार से नीचे की ओर झुकें, गर्दन को नहीं मोड़ना है सर्वाइकल पेन की स्थिति में। 4 में आपको अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना है, पहले राइट घुटने को बेंड करेंगे इस प्रकार से, गर्दन को आगे से ऊपर उठाएं, लेफ्ट पैर के पंजे को सीधा करें। कई बार इसको इस प्रकार से रखते हैं तो ये गलत अभ्यास हो जाता है, आपको बिल्कुल पीछे की ओर सीधा करना है अपने पैर के पंजे को, अपने थाइज को लेफ्ट थाइज को नीचे की ओर पुश करना है, दबाव बनाकर रखें उसका और गर्दन को आगे से ऊपर की उठाएं। 5,
फिर फाइव में पर्वतासन, श्वास को बाहर छोड़ें, पर्वतासन इस प्रकार से, एड़ियों को नीचे टच करें। फिर सिक्स में अष्टांग प्रणाम, अपने घुटने टच करें, चेस्ट टच करें, चिन टच करें, हथेलियों पर पूरा दबाव और श्वास नॉर्मल रखें। यहां सेवन भुजंग आसन, श्वास लेते हुए पैरों को पीछे सीधा कर दें, नाभि से नीचे के भाग को टच करें, नाभि से ऊपर आगे से उठाकर रखें, दृष्टि ऊपर रहे। हर आसन में कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकें। भुजंग आसन के बाद फिर वापस माउंटेन पोज, पर्वत आसन। सात आसन करने के बाद अब ये पांच पुनरावृत्ति वापस उन्हें रिपीट करें। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएं उठाकर, अश्व संचालन, ऊपर की ओर देखें, दोनों हथेलियां नीचे की ओर दबाव बनाकर रखें। पादहस्तासन, नीचे अपने हाथों को टच करें पूरा, नीचे अपने फोरहेड भाग को टच कर सकते हैं तो करें, श्वास को पूरा बाहर छोड़कर। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से खींचते हुए पीछे, जिन्हें बैक पेन है वो अधिक पीछे न जाए, ट्वेल्व नमस्कार की मुद्रा में और रिलैक्स करें। तो इस प्रकार से ये 12 योगिक आसनों का आपने पूरा एक समूह किया। तो इसे सूर्य नमस्कार, इससे सूर्य नाड़ी हमारी प्रभावित होती है, हमारी बॉडी में ऊर्जा का संचार ठीक प्रकार से होने लगता है। जो लोग हताश निराश रहते हैं वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें, नेगेटिव रहते हैं वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें, लेकिन करें सही विधि से। सूर्य नमस्कार में कुछ सावधानियां भी रखनी है आपको, जैसे जिन्हें बैक पेन है वो पीछे जाते समय अधिक पीछे ना जाए और आगे झुकते समय भी वो अधिक नीचे ना झुके, जहाँ तक उनको पेन ना है। यदि इतना पेन आपको यहाँ पर पेन नहीं है तो आप इतना ही रोकें, जहाँ तक पेन ना आए उतना ही झुकना है आपको। अब जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे की ओर भुजंग आसन में अधिक बैंड ना करें, वो आगे झुक सकते हैं, पीछे नहीं झुकना आपको। तो ये कुछ सावधानियाँ रखनी है, जिनका बीपी हाई है वो धीरे धीरे और धीरे धीरे करें अपनी क्षमता के अनुसार। अब बात आती है कि सूर्य नमस्कार में कितने राउंड करने चाहिए। बहुत लोग 100 सूर्य नमस्कार, 200 सूर्य नमस्कार, 50 सूर्य नमस्कार तक करते हैं। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। आप यदि ठीक प्रकार से सूर्य नमस्कार सही विधि से करेंगे तो 5 सूर्य नमस्कार करने में आपको पसीने आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप हर रोज 11 या 21 सूर्य नमस्कार, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए, यदि आप फिट रहना चाहते हैं उसके लिए आप अभ्यास करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। यदि आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर धीरे धीरे अभ्यास को जो है बढ़ाते जाओ प्रैक्टिस से। लेकिन सूर्य नमस्कार का जो उसका जो महत्व है उसको समझ कर ही करें। सूर्य नमस्कार का प्रभाव आपकी शरीर की एक एक नाड़ी पर पड़ता है, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन्स पर पड़ता है, आपकी मसल्स इससे स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये शरीर को दृढ़ता देता है, मजबूती देता है। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया योग का एक अभ्यास है और इसे आप एक्सरसाइज ना कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज का इफेक्ट अलग होता है, योग का इफेक्ट अलग होता है। तो आप योग अभ्यासों को करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं। सूर्य नमस्कार इसके लिए बहुत ही सहायक है। आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और सूर्य नमस्कार का अभ्यास ये किसी संप्रदाय, किसी जाति धर्म से संबंध नहीं रखता, इसको बहुत सारे लोगों ने जाति धर्म से भी जोड़ा है। तो ये योग का ही एक अभ्यास है, इसको आप अपने शरीर के लिए लें, अपने मन के लिए लें और इससे ज़्यादा अगर आप इसको
जाति या संप्रदाय से जोड़ते हैं तो वो गलत हो जाता है, इसके लाभ से वंचित हो जाते हैं आप अगर, क्योंकि आप किसी द्वेष में आकर सूर्य नमस्कार को नहीं करते तो आपको इसके लाभ नहीं मिलेंगे। तो आप सूर्य नमस्कार जरूर करें, मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसको धीरे धीरे करें, तेज ना करें। बहुत लोग तेज गति से करते हैं तो वो एक्सरसाइज फॉर्म हो जाता है, उसका इफेक्ट अलग हो जाता है। उसका इफेक्ट जो है, अगर आप कम इफेक्ट लेना चाहते हो तो फास्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पूरा इफेक्ट लेना चाहते हो और सही योग करना चाहते हो तो धीरे धीरे हर अभ्यास को 10 सेकंड को बढ़ाएं। तो सूर्य नमस्कार आप जरूर करें, मेरी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।